सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ दी ऑल न्यू 2020 BS6 कंप्लाइंट प्लेटिना 100 डिस्क ब्रेक वाले मॉडल का। तो यहाँ पर 100cc वाली जो ये प्लेटिना है, इसके अंदर डिस्क ब्रेक जो है आ चुका है। इसका एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू अपन कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें आपको नए मिलते हैं और बाइक में क्या क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो जो है देख लेते हैं। बेसिकली जो मैं आया था पल्सर 150 को यहाँ से पिकअप करने रिव्यू के लिए, बट यहाँ पर मुझे मिल गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक शॉर्ट ओवरव्यू जो है आप लोगों को दे दिया जाए, बता दिया जाए कि क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आए हैं। तो दिखने में जो है बेसिकली पूरी सेम है, थोड़े बहुत जो है कॉस्मेटिक अपडेट्स इसके अंदर किए गए हैं, स्टाइल अपडेट किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे जो मेजर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो इस गाड़ी का ये बड़ा सा दिखने वाला कैटेलिटिक कन्वर्टर। BS6 हो गई है बाइक, सेंसर वगैरह जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है कार्बोरेटर इसके अंदर दिया हुआ है, जिससे आपको माइलेज जो है वो बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। इसके अंदर आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी बाइक को चलाते हैं, उसके हिसाब से आप जो है काफ़ी अच्छा माइलेज इससे निकाल सकते हैं। कंपनी तो क्लेम करती है अराउंड 80 KMPL के आसपास का माइलेज जो है आप इससे निकाल सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर सिटी में चलाते हैं तो 60-65 का माइलेज, और हाईवे पर चलाते हैं तो 70-75 का माइलेज आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा माइलेज है और लोगों ने तो इसमें 80 तक का भी जो है माइलेज निकाला हुआ है। सारे गियर इसमें जो है नीचे की तरफ लगेंगे, 4 गियर इसमें दिए हुए हैं। 102cc का इंजन है जो कि 7.3 BHP की पावर, 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर है। फ्रंट सस्पेंशन 130mm के ट्रेवल के साथ में आता है, कम्फर्टेक सस्पेंशन है, काफ़ी बढ़िया ट्रेवल है। तो अगर आप ख़राब रास्तों में लेके जाते हैं, गाँव वगैरह में जो है इसको लेके जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको जो है डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जिससे कि इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का मॉड्यूल इसके अंदर लगा हुआ है, जिससे होगा क्या कि जब आप आगे का ब्रेक लगाओगे तो आगे और पीछे दोनों का ब्रेक जो है, दोनों पहिए का ब्रेक एक साथ लगेगा और बाइक को जो है रोकने में काफ़ी आसानी होगी और बाइक स्लिप भी जो है वो नहीं होगी। इसके अंदर आपको 11 लीटर का जो है पेट्रोल का टैंक मिलता है, जिससे आप काफ़ी अच्छी रेंज तक जो है इसको चला सकते हैं। टैंक पैड अब मिल चुका है इसको और इसकी सीट जो है वो बहुत ही आरामदायक है और काफ़ी बड़ी सीट है। आप देख सकते हो, मतलब इतनी बड़ी सीट इसके अंदर दी हुई है कि आराम से आप इसके अंदर बैठ के जा सकते हो। पीछे कुछ सामान वगैरह रख के जाना है तो वो भी आप लेके जा सकते हो। 100cc की गाड़ी है और पीछे आपको नाइट्रोक्स के जो है सस्पेंशन मिल जाते हैं, ये एंड्योरेंस के सस्पेंशन लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं और इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको ख़राब रास्तों पे चलाना है तो उसके लिए सॉफ्ट आप कर दो, और अगर आप हाईवे वगैरह पे लेके जा रहे हो जहाँ पर रोड काफ़ी अच्छी है तो उसको थोड़ा सा हार्ड कर दो। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसकी सस्पेंशन को सेट कर सकते हो। फुट रेस्ट जो है वो भी काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, ये देख सकते हो, काफ़ी बड़ा फुट रेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आराम से पैर रख के इसके ऊपर बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको किक भी मिल जाती है और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी जो है वो दिया गया है। और पीछे यहाँ पर आपको एक ये ग्रैब रेल मिलती है, जिसको आप पकड़ सकते हैं जो पीछे बैठते हैं। इंडिकेटर की स्टाइल आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं, ये लूज़ हैं ताकि टूटे नहीं गाड़ी वगैरह गिरे तो, और ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पीछे ये जो है टेल लैंप दी हुई है, इसकी भी स्टाइल काफ़ी अच्छी है। पीछे यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपको वो सारी गार्ड और फुट रेस्ट नहीं मिलता है, तो वो एक्सेसरीज़ है, गाड़ी अभी नई नई आई है तो ये सभी चीज़ें लगी नहीं है। कांच भी जो इसके अंदर लगने बाकी है, तो ये सभी चीज़ें लग जाएगी। उसके बाद में मैं इस गाड़ी का एक बार ड्राइव रिव्यू जो है ज़रूर से आपको करके बताऊंगा कि चलने में ये गाड़ी है कैसी। बाकी सस्पेंशन वगैरह की और बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी टॉप नॉच लेवल की लग रही है। मटेरियल जो है कंपनी ने बहुत अच्छा यूज़ करा है, जो चेन है वो पूरी कवर है, तो आपको बिल्कुल भी चेन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो गंदी हो जाएगी, बार बार उसको साफ़ करवानी पड़ेगी, वो सब चीज़ों का जो है आपको ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। इस चीज़ के लिए आपने जो है शांति से इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ मेन हाईलाइट की। तो यहाँ पर इसकी ये जो ग्रिप है, ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिप इसके अंदर आपको मिल जाती है ये, और बटन की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। क्लच जो है वो भी लाइट है, कि अगर आप सिटी में चला रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपके हाथ नहीं दुखेंगे, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर काफ़ी क्लियर दिखने वाला जो है एक मीटर दिया हुआ है, जिसमें आपको स्पीड बताएगा, किलोमीटर की रीडिंग बताएगा और पेट्रोल कितना गाड़ी के अंदर बाकी है वो भी यहाँ पर दिखा देगा। अभी इसमें बैटरी नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर लाइट जो दूसरी आती है वो चालू करके भी नहीं दिखा सकता हूँ। जब इस गाड़ी को चलाऊँगा तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। इस हैंडल की हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से आपके हाथ सीधे रहते हैं और आपके कंधे पर और पीठ पर जो है थकान महसूस नहीं होती है। साथ ही यहाँ पर ये लाइट का स्विच दिया हुआ है, मेन लाइट का। बाकी पोजिशनल लैंप जो है वो गाड़ी चालू करते से चालू हो जाएंगे। यहाँ पर एक सेल्फ का बटन दिया हुआ है और ये है फ्लूइड जो फ्रंट जो अपने क्या बोलते हैं डिस्क ब्रेक है उसके लिए ये दिया हुआ है। तो ये है प्लेटिना 100cc कम्फोटेक
और पूरा कंप्लीट जो है इसका सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ जानना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहीं से जो है सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको करना है फ्यूल ऑफ़ करना है, फ्यूल मतलब जो है ऑन करना है तो यहां से कर सकते हैं, बट इसके अंदर चौक नहीं आता है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर दिया हुआ है इसमें, ताकि आपका जो आइडियल RPM है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, आपको इसको कोई गर्म वगैरह करने की जो है ज़रूरत नहीं है बेसिकली। और फ्रंट लैंप जो है वो देख सकते हैं, तो इसमें पोजीशनिंग लैंप भी दिए हुए हैं, ऊपर ये LEDs में माउंट किए हुए हैं, गाड़ी ऑन करते से ऑन हो जाएंगे एंड ये जो मेन लैंप है उसका स्विच उसके अंदर दिया हुआ है ताकि ये चालू नहीं रहे कंटिन्यूसली। टायर साइज़ लास्ट में एक बार जान लेते हैं कि इसमें टायर साइज़ जो है वो क्या दी हुई है, इधर नहीं लिखी हुई है, इधर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये जो टायर साइज़ है 2.75/17 टायर फ्रंट में दिया हुआ है, और रियर टायर साइज़ की अगर बात करें तो वो भी जो है 3.17 जो है यहाँ पर पीछे का टायर साइज़ दिया हुआ है। दैट्स ऑल, पीछे ड्रम ब्रेक है और आगे डिस्क ब्रेक है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी दिया हुआ है जिससे दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगे, यहाँ पर उसका मॉड्यूल दिया हुआ है। दैट्स ऑल, पूरी गाड़ी समझ में आ गई है। कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जो है वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर भी आके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लो। कार्स, बाइक, स्कूटर्स की न्यूज़, रिव्यूज, कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर मैं अपने चैनल में लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक लेकर बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।